हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों से मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे डिस्टेंस एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, उनको जानना था कि अगर वो डिस्टेंस एजुकेशन करेंगे, एमकॉम करेंगे डिस्टेंस एजुकेशन से, ठीक है, तो क्या उनका सिलेबस होगा। ठीक है, उनके डिस्टेंस एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आज की वीडियो में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि हम इस वीडियो में कौन कौन से मेन टॉपिक्स जो होंगे हमारे वो कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में फर्स्ट आपका डिस्टेंस एजुकेशन से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और सेकंड में आपको बताऊंगी कि आपको जो है अगर चेक करना है कि यूजीसी ने किन किन यूनिवर्सिटीज़ को, किन किन कॉलेजेस को अप्रूव्ड किया है डिस्टेंस एजुकेशन के लिए, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी कि आप वो कंप्लीट लिस्ट जो है कैसे चेक कर सकते हो। ठीक है, और थर्ड में आपको बताऊंगी सिलेबस के बारे में। ठीक है, एमकॉम के सिलेबस के बारे में डिस्टेंस एजुकेशन में। ठीक है, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और बिना स्किप किए हुए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करूं डिस्टेंस एजुकेशन की। आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस एजुकेशन होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दूरी, मतलब कि आपको यहाँ पे कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं होती स्टडी करने के लिए, आप घर से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो डिस्टेंस अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन अगर आप करोगे तो आपको जो भी स्टडी मटेरियल होगा, ठीक है, नोट्स होंगे, ऑनलाइन क्लासेज होंगी जो भी, वो आपको आप जिस कॉलेज से करोगे या जिस यूनिवर्सिटी से आप करोगे वहां से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर आप प्राइवेट करोगे, ठीक है, तब आपको ये सब मटेरियल नहीं मिलेगा, ये सब आपको खुद से ही अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली डिस्टेंस एजुकेशन में आप जो है घर से ही अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, और मटेरियल आपको यूनिवर्सिटी से ही जो है आपको ऑनलाइन मिलेगा। ठीक है, तो सेकंड इसमें आपके पास मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन करते हो, ठीक है, तो आपको उससे क्या फ़ायदा होगा और क्या आपको नुकसान होगा। ठीक है, तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है। तो अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं डिस्टेंस एजुकेशन की, तो आप इसको जो है किसी भी, आप इसको जो है कहीं से भी जो है शुरू कर सकते हो। ठीक है, किसी भी टाइम जो है आप इसको डिस्टेंस एजुकेशन में को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और किसी भी यूनिवर्सिटी से जो है आप इसको कर सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो यूनिवर्सिटी आपकी जो है अप्रूव्ड होनी चाहिए यूजीसी के द्वारा। ठीक है, सेकंड क्या होगा इसमें, आपको जो है इसमें आपको जो है आपका टाइम बचेगा। ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन अगर आप घर से ही स्टडी करोगे अपनी, तो आपका जो है इसमें टाइम बचेगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम मिलेगा आपको स्टडी करने के लिए। ठीक है, और आपको कहीं पर भी ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और आपके पास जो है वेरियस ऑप्शंस होंगे। ठीक है, डिफरेंट ऑप्शंस होंगे आपके पास अपने कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करने के लिए कि आप किस यूनिवर्सिटी से जो है डिस्टेंस एजुकेशन अपनी करना चाहते हो। ठीक है, और फीस की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो आपके प्राइवेट अगर आप करोगे अपनी स्टडी को, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी फ़ीस जो है बहुत ही कम होगी। ठीक है, क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है सारा कुछ खुद से ही अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसकी फ़ीस जो है आपकी प्राइवेट के मुकाबले में, ठीक है, प्राइवेट के कंपेरिजन में आपकी जो डिस्टेंस की फ़ीस है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि जो स्टडी मटेरियल है आपको वो आपको यूनिवर्सिटी से ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर आप रेगुलर करोगे स्टडी को, तो वहाँ पे आपकी फ़ीस जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि रेगुलर की कंपैरिजन में डिस्टेंस की फ़ीस आपकी कम होगी। ठीक है, और अगर आप कहीं पर भी जॉब करते हो, ठीक है, तो अगर आप जॉब करते हो तो जाहिर सी बात है कि आप रेगुलर क्लासेस तो अटेंड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपके लिए जो है डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो फ़ायदेमंद होगी। ठीक है, तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस थे। तो अब एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके कुछ। ठीक है, तो डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर सबसे जो इसमें पहला इसका डिसएडवांटेज होगा, सबसे पहला नुकसान होगा वो क्या होगा कि टीचर्स के साथ आपकी कोई भी बातचीत नहीं होगी इसमें। ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन में आपकी जो है आपको ऑनलाइन मटेरियल दिया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, लेकिन जैसे आप रेगुलर में अपने टीचर से बात करते हो, कोई भी आपकी क्वेश्चन है आप उनको क्लियर करते हो, तो वो सब डिस्टेंस एजुकेशन में जो है कम ही मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद सेकेंड इसका
आपको नुकसान क्या होगा कि जैसे आपको पता है कि अगर आप कॉलेज में जाते हो, ठीक है, और स्कूल में जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पर जो आपका सीखने का माहौल होगा वो अलग होगा, ठीक है, वहाँ पर आप स्टडी कर सकते हो, लेकिन घर पे आपको जो है थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और सेकंड क्या है कि इसमें हिडन कॉस्ट भी आपको बियर करनी पड़ेगी, ठीक है। हिडन कॉस्ट का मतलब क्या है कि अगर आप ऑनलाइन अगर आप यहाँ पे स्टडी करोगे तो आपको जो है यहाँ पे कंप्यूटर वगैरह चाहिए होगा, ठीक है, प्रिंटर वगैरह चाहिए होगा आपको, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आपको ये मार्केट से ही करना पड़ेगा। तो ये हिडन कॉस्ट होगी, छिपी हुई कॉस्ट है ये, ठीक है, तो ये आपको बियर करनी पड़ सकती है इसमें, ठीक है। और इसका एक नुकसान क्या है कि अगर आपको टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, ठीक है, आपको इतना पता नहीं है टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है, कंप्यूटर्स के बारे में पता नहीं है, ठीक है, ऑनलाइन कैसे काम किया जाता है वो अगर आपको नहीं पता, ठीक है, तो आपको इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और इसमें लास्ट इसमें क्या आपको नुकसान होगा इसमें कि कोर्सेज जो है इसमें सभी कोर्सेज को इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो कोर्स आपको करना हो, ठीक है, वो इसमें इंक्लूड ही ना हो, ठीक है। तो उसके बाद आपको एक क्या नुकसान होगा इसका कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो आपकी इम्प्रूव नहीं हो पाएंगी, ठीक है। कैसे? क्योंकि अगर आप रेगुलर स्टडी करोगे, ठीक है, रेगुलर डेली आप कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पर आप बातचीत करोगे, ठीक है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो आपकी वहाँ पर इम्प्रूव होती हैं, ठीक है, थीके? और पर्सनैलिटी आपकी डेवलपमेंट होती है अगर आप रेगुलर जाते हो, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस में ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है। आपके जो सोशल नेटवर्क्स हैं वो नहीं बन पाते डिस्टेंस एजुकेशन में, ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी डिस्टेंस एजुकेशन में? ध्यान आपका, ठीक है, ध्यान भटकने की इसमें ज़्यादातर मतलब कि वो होगी, ठीक है। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे पता चल गया होगा, ठीक है, कि डिस्टेंस एजुकेशन आपके लिए सही रहेगी या नहीं, क्योंकि ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपके लिए कौन सी ये सही होगी, ठीक है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे गाइड कर सकती हूँ, बता सकती हूँ, ठीक है। तो अब डिस्टेंस एजुकेशन से रिलेटेड आपके पास जो क्वेश्चन आपके मन में आता होगा, ठीक है, कि जो डिस्टेंस की डिग्री होती है और रेगुलर की डिग्री होती है, ठीक है, क्या उन दोनों की वैल्यू सेम होती है? तो हाँ, इन दोनों की वैल्यू जो है बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। ये नहीं है कि किसी की वैल्यू कम है किसी की ज़्यादा है, पहले होता था, लेकिन अब जो है दोनों की वैल्यू को जो है सेम कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में क्या होगा कि जो डिस्टेंस एजुकेशन है, क्या जिन बच्चों ने डिस्टेंस एजुकेशन की है उनको जॉब में जो है कम प्रेफरेंस दी जाएगी अगर वो कहीं पे भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे या प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जहाँ पे भी आप अप्लाई करते हो, ठीक है, या कोई भी पहले भी करता था, तो वहाँ पे कहीं पे भी लिखा नहीं होता कि जो रेगुलर जिन्होंने डिग्री ली हुई है अपनी कि उनको ज़्यादा प्रेफरेंस वहाँ दी जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं होता, दोनों के लिए सेम ही होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको इसमें क्वेश्चन क्या उठता होगा आपके मन में कि जो भी आप गवर्नमेंट फॉर्म भरते हो, ठीक है, गवर्नमेंट आप कोई भी फॉर्म भरते हो, ठीक है, चाहे वो एडमिशन से रिलेटेड है या फिर जॉब से रिलेटेड है, कि वहाँ पे क्या अलग यहाँ पे क्राइटेरिया होगा कि डिस्टेंस वालों को अलग डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप कोई भी फॉर्म भरते हो, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी फॉर्म भरते हो, तो वहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम ही होगी, ठीक है। और कॉलेज में अगर आप एडमिशन लोगे, ठीक है, जब भी आप कॉलेज में लोगे एडमिशन या यूनिवर्सिटी में लोगे, तो वहाँ पर जो मेरिट लिस्ट होती है ना, ठीक है, तो वो मेरिट लिस्ट जो रेगुलर वाली होती है और जो डिस्टेंस वाली होती है वो दोनों की सेम ही होती है। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने डिस्टेंस का फॉर्म भरा है कि उनकी मेरिट लिस्ट जो है वो अलग होगी, अलग नहीं होती, दोनों की मेरिट लिस्ट जो है सेम होती है, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपको क्या आपके मन में उठता होगा कि आप पीएचडी कर सकते हो, नेट एग्ज़ाम आप भर सकते हो, ठीक है, डिस्टेंस के अगर आप स्टूडेंट हो तो हाँ बिल्कुल आप जो है डिस्टेंस की स्टडी करके, आप डिस्टेंस से स्टडी करके पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, और नेट का एग्ज़ाम भी आप दे सकते हो, ऐसी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा इस टाइम कि अगर आपने अपनी यूजी जो है वो डिस्टेंस से की है, ठीक है, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला कि अगर आपकी जो यूजी है, ठीक है, बीकॉम है आपकी या बीए है, वो आपने डिस्टेंस से की है, लेकिन आप जो अपनी पीजी है वो रेगुलर से करना चाहते हो, तो क्या आप कर सकते हो? हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो ये भी, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके मन में उठते होंगे, ठीक है। तो
अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको जो है डिस्टेंस से एजुकेशन करनी चाहिए या नहीं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, घर से कोई भी प्रेशर नहीं है और ना ही आपको घर की जिम्मेवारी उठानी पड़ती है, ठीक है, कहीं पर जॉब नहीं आपको करनी पड़ती, ठीक है, या कोई आपको मना नहीं करता स्टडी के लिए, तो आप जो है रेगुलर ही स्टडी करो अपनी, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको फ़ायदे और नुकसान जो है दोनों के बता दिए हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर आपको जो है कहीं पे जॉब करनी पड़ती है, ठीक है, फैमिली का प्रेशर है या आपकी मैरिज हो चुकी है, ठीक है, ऐसी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पे खाली बैठने से अच्छा है कि आप डिस्टेंस एजुकेशन को कंटिन्यू करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका इसमें क्लियर हो गया। तो अब नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ इसमें कि UGC ने किन किन यूनिवर्सिटीज़ को अप्रूव किया है, ठीक है, तो वो लिस्ट आप कैसे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये लिस्ट चेक करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना होगा और इसमें आपको यहाँ पे सर्च करना होगा DEB.UGC.AC.IN, ठीक है। इस वेबसाइट को आपको यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है, ये डिस्टेंस एजुकेशन की जो है आपकी ऑफिशियल साइट है, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पे ये आपकी साइट ओपन हो चुकी है, आपको इसको जो है डेस्कटॉप मोड में जो है कर लेना है जिससे आपकी साइट ये अच्छे से ओपन हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको जो है स्क्रॉल इसको करना है, जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पे जो स्टूडेंट कॉर्नर है इसमें आपको यहाँ पे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है सिंपली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है कुछ स्टेट्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप जिस भी स्टेट के हो आप यहाँ पे जो है उसको सिलेक्ट कर लोगे, जैसे कि मैं आपको हरियाणा का करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो हरियाणा में 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं अभी जिनको जो है अप्रूव मिला हुआ है डिस्टेंस एजुकेशन का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको 3 ही शो होंगी, वो क्यों, क्योंकि जो है यहाँ पे ये अपडेट होती रहती हैं, ठीक है। ये है आपकी फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, हरियाणा की, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे ये इसकी वेबसाइट आपको दी हुई है, आप इस वेबसाइट पे जो है जाके इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। सेकंड यूनिवर्सिटी है हमारी कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये इसकी यहाँ पे ऑफिशियल साइट दी हुई है। और थर्ड यूनिवर्सिटी है यहाँ पे MDU, ठीक है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी हरियाणा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं दी गई हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था CRSU यूनिवर्सिटी के बारे में, तो उसके बारे में यहाँ पे अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसको अप्रूवल मिला है या नहीं और मिलेगा भी या नहीं, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे जब भी आपको एडमिशन लेना होगा तो आप यहाँ पे जो है चेक कर सकते हो। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, आप ऐसे जो है इन यूनिवर्सिटीज़ की जो है लिस्ट जो है आप चेक कर सकते हो, आप जिस भी स्टेट में रहते हो, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ थर्ड हमारा जो इसमें टॉपिक है आज की वीडियो में, कि अगर आप MCOM डिस्टेंस से करोगे और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से करोगे तो उसके लिए आपका सिलेबस क्या होगा, ठीक है। तो आप यहां पे स्क्रीन पे देख सकते हो, ये MCOM प्रीवियस ईयर का है, ठीक है, फर्स्ट जो आपका ईयर होगा उसमें, ठीक है, ये सिलेबस है। आपके पास सब्जेक्ट इसमें होंगे मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, एडवांस स्टैटिक्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट, अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट उसमें जो है फर्स्ट ईयर में आपके पास ये सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। और ये आगे जो है आपको सिलेबस दिया गया है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो अब आप इनको जो है देख सकते हो, ठीक है, और आप जो है इनका स्क्रीनशॉट लेके जो है इनको रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल आपके लिए होगा, ठीक है। और अगर आपको स्टूडेंट्स ये PDF अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो आप जो है मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पे जो है मैं आपको ये PDF जो है सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये रेफरेंसेस जो है कुछ दिए गए हैं, पहले जो सब्जेक्ट है, ठीक है, सेकंड सब्जेक्ट है इसमें बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। तो 80 नंबर का इसमें एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा आपका और इंटरनल के आपके लगेंगे इसमें 20 मार्क्स, ठीक है। तो टोटल आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा ये, ठीक है, और 3 घंटे का जो है एग्ज़ाम आपका ये होगा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो आपको जो जो इसमें टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड आपका इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ठीक है, सेम इसका भी यही है, 100 मार्क्स का ही आपका ये होगा एग्ज़ाम, ठीक है। तो आपको इसमें यहाँ पे दिया गया है कि आपको इसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं पढ़ने होंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि प्राइस डिटरमिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट कंडीशंस, ठीक है, बिजनेस साइकिल्स, ठीक है। तो ये आपको चैप्टर्स इसमें और टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आपका क्या होगा, एडवांस स्टैटिक्स, ठीक है, MC504 इसका कोड है सब्जेक्ट का, ठीक है। और ये सब्जेक्ट आपके पास आएगा अगर आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से जो है अपनी MCOM करोगे डिस्टेंस से, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको रेफरेंसेस दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आपका सब्जेक्ट क्या होगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का भी यहाँ पे सेम ही होगा, 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और टोटल क्वेश्चंस इसमें आएंगे 8 आपके पास, ठीक है, लेकिन जिसमें 10 क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और 4 नंबर का जो है एक क्वेश्चन आपका होगा शॉर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, रेफरेंसेस। उसके बाद नेक्स्ट आपका इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, अकाउंटिंग फॉर मैनेजेरियल डिसीजंस, ठीक है। सेम आपका ये भी ऐसे ही होगा एग्ज़ाम, ठीक है। हाँ जी, इसमें आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में जो है पढ़ना होगा, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के बारे में, ठीक है, बजटिंग के बारे में आप इसमें पढ़ोगे, ठीक है, और मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में, ठीक है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्राइस लेवल अकाउंटिंग वगैरह, ठीक है। इसके ऊपर स्टूडेंट्स मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बनाई हुई है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका जो है ऑलरेडी यहाँ पर आपको चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे फाइनल ईयर जो आपका होगा, ठीक है, फाइनल ईयर का आपका सिलेबस क्या होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फाइनल ईयर में आपके पास सब्जेक्ट्स कौन कौन से आएंगे, ठीक है। तो कंपलसरी इसमें पेपर है कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, ठीक है, 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इनमें से जो है आपको कुछ सब्जेक्ट्स जो है आपको सिलेक्ट करने होंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, मार्केटिंग रिसर्च का है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का है, ठीक है। तो ये सब सब्जेक्ट्स हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पे आपको ये सिलेबस दिया गया है, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन टू बिजनेस एंड ई कॉमर्स का, ठीक है, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में आपको दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बिजनेस, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स, ठीक है। तो यहाँ पे और प्रैक्टिकल आपका इसमें होगा, जिसमें आपको HTML के बारे में जो है और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें, ठीक है, वो सब आप कवर करोगे। उसके बाद नेक्स्ट इसमें सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड पॉलिसी, सेम 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में आपको इसमें चैप्टर दिया गया होगा, फाइनेंशियल डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजन, ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी कवर करवा दिया है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल के बारे में होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ आपको टॉपिक्स दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है। तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, ठीक है, क्योंकि इसका ऑलरेडी मैंने काफ़ी हद तक जो है सिलेबस इसका अपलोड कर दिया है, मैंने सिर्फ एक दो लेसन ही इसमें रह गए हैं, ठीक है। बाकी सारे ये टॉपिक्स जो है आपको मेरे चैनल पर जो है मिल जाएंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में, ठीक है। उसके बाद हायर अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग थ्योरी, ठीक है, ये आपको इसमें सब्जेक्ट पढ़ना होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको ये इमेगलेशन के बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, तो आप जो है वो भी यहाँ पे देख सकते हो मेरे चैनल पर, ठीक है। और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स वगैरह, ठीक है, ये सब मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, ठीक है, सेम 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। एडवर्टाइजिंग के बारे में आपको इसमें चैप्टर दिए गए हैं, प्रमोशन कैसे होता है, ठीक है, एडवर्टाइजिंग कैसे होती है, ठीक है, सेल्स पर्सनल क्या होती है, ठीक है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ठीक है, ये सब आपको जो है इसमें टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेफरेंसेस हैं दिए हुए कुछ, ठीक है, और आगे इसमें आपको जो है सब्जेक्ट दिया गया है मार्केटिंग रिसर्च का, ठीक है। तो मार्केटिंग रिसर्च क्या होती है, नेचर क्या होते हैं, ठीक है, स्कोप क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, टेक्निक्स क्या है क्वालिटेटिव रिसर्च की, ठीक है, ये सब आपको इसमें टॉपिक्स जो हैं कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रेफरेंसेस भी दिए गए हैं इनके। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है आपका, सर्विस मार्केटिंग, ठीक है, इसमें भी ये भी आपका सेम 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। सर्विस मार्केटिंग के बारे में आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, उसकी करैक्टरिस्टिक क्या है, क्लासिफिकेशंस क्या हैं, ठीक है, और सर्विस क्वालिटी के बारे में, ठीक है, कम्युनिकेशन,
एंड प्रमोशन ऑफ सर्विसेज, ठीक है, प्राइजिंग ऑफ सर्विसेज, ये सब जो है आपका सिलेबस है इसका। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, इसका भी सेम 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, वर्क फोर्सेज, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है, और ये सब आपको जो है इसमें टॉपिक्स जो है कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें क्या है हमारा, कंपनसेशन मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, भी आपको जो है सेम 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और इसमें आपको जो है ये टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आप इसमें जो है कवर करोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आपको ये रेफरेंसेस दिए गए हैं, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर, आप जो है स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो सभी सब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है नेक्स्ट इसमें सब्जेक्ट्स क्या दिया हुआ है, उसके बाद है इंटर्नशिप डेवलपमेंट, ठीक है, ये सब्जेक्ट है सेम 100 मार्क्स का है ये भी, ठीक है। तो इसमें आपको जो है कॉन्सेप्ट, नेचर एंड स्कोप, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग, ये सब आपको जो है टॉपिक्स इसमें पढ़ने पड़ेंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रेपरेशन होगी, ठीक है, लीगल एक्सेप्ट ऑफ स्मॉल बिजनेस, ठीक है, ये सारे आपको जो है इसमें लेसन्स कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको रेफरेंसेस दिए गए हैं इसके भी, ठीक है, तो आप जो है इनको जो है स्क्रीनशॉट आप इनका ले सकते हो, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एमकॉम का सिलेबस डिस्टेंस स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो, आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी और अब आपको डिस्टेंस एजुकेशन में कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। और जो आप बोल रहे थे कि CRSU यूनिवर्सिटी के बारे में, तो अब मैंने आपको वो भी बता दिया कि अभी तक उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसको अप्रूवल मिलेगा या नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको चेक करना है यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, ठीक है। तो अब आप जब भी एडमिशन लोगे अपना, ठीक है, जब भी आपका एडमिशन स्टार्ट होंगे डिस्टेंस के, ठीक है, तो आप सबसे पहले जो है जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही साइट पर जो है आप चेक करना, ठीक है, कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपको एमकॉम के लिए जो है अप्रूवल दे रही हैं, ठीक है, किन यूनिवर्सिटीज़ को अप्रूवल मिला हुआ है UGC से, ठीक है। तो आपको वो चेक करना है सबसे पहले, उसके बाद ही आपको जो है एडमिशन अपना लेना है, ठीक है, क्योंकि अगर आपने किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया जिसको अप्रूवल ही नहीं है, तो वो डिग्री आपके लिए वैलिड जो है वो नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अब आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए हुए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल के ऑप्शन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ऐसे ही यूज़फुल टॉपिक के साथ, एंड तब तक थैंक यू सो मच।